हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत छोटे से स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसमें आप एक छोटा सा कैपिटल लगा के बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। वो बैंक का नाम है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक। ये स्टॉक का प्राइस आज के डेट में बहुत ज़्यादा गिरा है, अराउंड 10% के आसपास जो है स्टॉक में गिरावट देखी गई, थोड़ा बहुत रिकवरी है दोस्तों। तो क्या करना चाहिए ऐसे स्टॉक में, मैं बोलता हूँ दोस्तों, अगर आप 4-5 हज़ार रुपये अभी लगा दोगे तो 100 क्वांटिटी खरीद लोगे। ये जो छोटे इन्वेस्टर है उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो बड़े इन्वेस्टर है वो तो अपना क्वांटिटी बढ़ा के भी खरीद सकते हैं, उनका अलग बात है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये स्टॉक में गिरावट हुआ है तो ये स्टॉक में हम जम के खरीदारी कर सकते हैं। इस गिरावट के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, अगर वो जान जाओगे तो आप ऐसे स्टॉक को छोड़ोगे नहीं, ऐसे स्टॉक को खरीदारी करके चलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ऐसे स्टॉक को खरीद के रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में जरूर। और ये वजह है दोस्तों इस स्टॉक का जो गिरावट होने की वजह से, वोडाफोन आइडिया में दोस्तों इसका ज़्यादा मोर देन 50% एक्सपोजर होने की वजह से, चाहे जो भी है वोडाफोन आइडिया की वजह से दोस्तों ये स्टॉक में गिरावट हुआ है, नहीं तो ज़्यादातर ये स्टॉक में गिरावट नहीं होता, वही एक वजह है। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि मार्केट ने भी अभी सारे स्टॉक को जो है गिरा रखा है। अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाता हूँ तो मार्केट कितना ज़्यादा डाउन जा रहा है वो तो आप देख ही रहे हो। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, डिक्लाइन कितना है, 40 है, ठीक है, डिक्लाइन 40 है, और यहाँ पर देख सकते हैं एडवांस ओनली 10 है। तो ऐसे टाइम में जो स्टॉक गिर रहे हैं उसको रख लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा, सब लोग बोलते हैं, और यहाँ तक कि वॉरेन बफेट जी ने भी बताया है कि जब मार्केट गिरता है तो हमें खरीदारी करना चाहिए, और जब मार्केट उठता है तो हमें क्या करना चाहिए, बिकवाली करना चाहिए, दो ही चीज़। लेकिन करते हैं क्या लोग, ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपने हर जगह देखा है दोस्तों, बूंद बूंद से एक जो है एक अच्छा खासा जो है वाटर जो है एक बड़े बड़े जो है पैमाने में हम तैयार कर सकते हैं, ओनली जो अगर ड्रॉप ड्रॉप वाटर आया तो, ठीक है। तो सोच लीजिए ये स्टॉक दोस्तों, अगर हमें ओनली 5 या 1 पॉइंट करके भी अगर ये इंक्रीज होता, थोड़ा थोड़ा 5 पैसे 10 पैसे करके भी इंक्रीज होता, तो आपको आने वाले दिनों में दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देगा ये स्टॉक, मतलब ये कंपनी IDFC फर्स्ट बैंक का जो ये है दोस्तों। बैंक का लोन ग्रोथ बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि दोस्तों कंपनी में ग्रोथ हो ही जा रही है, लेकिन ये कंपनी जो है थोड़ा बहुत कहीं कहीं लोन दे रहा है ऐसा, जहाँ पर ये फंस जा रहा है, नहीं तो आने वाले दिनों में ये आपको जरूर जो है अच्छा, और जिनको लॉस हुआ है मैं तो बोलूँगा उनको बेचना ही नहीं चाहिए, होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं ये बोलूँगा कंपनी में थोड़ा नुकसान तो हो रहा है, आप भी देख रहे हो स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट तो हो रही है, आप भी देख रहे हो, लेकिन दोस्तों कंपनी ने डिविडेंड दिया, मतलब ये अपना एबिलिटी दिखा रहा है कि अभी नहीं तो सही आने वाले दिनों में एक ऐसा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ जिससे स्टॉक का प्राइस तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, और डिविडेंड को भी ये इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए डिविडेंड में दोस्तों 2016, 17, 18 है, 2019 का यहाँ पर नहीं बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो 2.550 है, उसके बाद से यहाँ पर देख सकते तो 7.50, मान लीजिए कि 7.50 जो भी दोस्तों, यहां देखिए 2 से 7 कर दिया, ठीक है, 2 से 7 कर दिया, ग्रोथ अच्छा हुआ, ठीक है, डिविडेंड को इसने दुगना कर दिया, दुगना से भी अच्छा कर दिया। तो दोस्तों अगर इसका आने, मैं बोलता हूं अगर ये स्टॉक अगर आप खरीदना चाहते हो तो 1 साल तक आप होल्ड करके रखो, ये आपको अच्छा ग्रोथ दे देगा, जितना रियल में अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, FD करवाते हो, तो उतना आपको रिटर्न नहीं देगा, उससे अच्छा दोस्तों 2 से 3 गुना अच्छा यहां पर रिटर्न देगा। लेकिन हाँ, आपको रुकना पड़ेगा, देखो स्टॉक मार्केट में यही चीज है कि हम पैसे से पैसा नहीं बना सकते स्टॉक मार्केट में, पैसे से पैसा अगर आपको बनाना है तो कोई और बिजनेस में आपको बनाना होगा, स्टॉक मार्केट में दोस्तों पैसे से पैसा नहीं बनता है, पेशेंस से पैसा बनता है, पैसे से पैसा नहीं बनता है, पेशेंस से पैसा बनता है। तो अगर आपको पास पेशेंस है तो आप पैसा बना लोगे, क्यों, क्योंकि मार्केट तो चाहेगा कि किसी तरह आपको कंफ्यूज करूं, आपको डराऊं और आप स्टॉक को सेल कर दो। आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपने जैसे ही स्टॉक को सेल किया, जैसे ही स्टॉक को सेल किया दोस्तों, और स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, क्यों, मार्केट चाहता था कि आप अपना पेशेंस खो दो, आप अपना कंट्रोल खो दो, जिससे स्टॉक का प्राइस जो है ऊपर जाएगा। स्टॉक को अगर कोई ऊपर लेके जाता है तो वो है इन्वेस्टर, स्टॉक को अगर कोई नीचे लेके जाता है तो वो है इन्वेस्टर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे जो है अपने नाव को चलाते हो, क्योंकि हवा सबके लिए एक ही बह रही है, ठीक है। तो जो हमारा हवा है दोस्तों वो सबके लिए एक ही डायरेक्शन है, लेकिन आप अपने नाव को कैसे संभालते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख लो दोस्तों, कंपनी जो भी है प्रमोटर्स के पास 40% हो ये है दोस्तों,
प्रमोटर हिस्सेदारी, ठीक है, 40%, लेकिन प्लेज एक भी नहीं है। प्लेज का मतलब दोस्तों देखो, कंपनी का ऐसा सिचुएशन नहीं आया जो अपने प्लेजिंग रखना पड़े, कोई भी चीज़ इनको प्लेज नहीं रखना पड़ा, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि अपने जो है इन्होंने शेयर को प्लेज नहीं किया, वो अच्छी बात है, एक तरह से जो है एडवांटेज है, पॉजिटिविटी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लो फॉरेन इंस्टीट्यूशन टोटल, यहाँ पर देख लो दोस्तों इन्होंने जो है अच्छा अच्छा सामान उठाया है, अदर्स के लिए यहाँ पर देख लो 21% ही मिला है, और यहाँ पर देख लो 20 के आसपास ही मिला है दोस्तों, टोटल 99.99%। तो देखो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये भी अच्छी तरीके से डिवाइड किया गया है, किसको कितना मिलना है। यहाँ पर देख लो प्रमोटर स्टॉक अभी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, फिर भी प्रमोटर्स के पास 40% है। येस बैंक में देख लो, कंपनी में सब कोई पीछे पड़े हैं लेकिन उनका कंपनी का हाल देख सकते हो। तो मैं बोलूंगा येस बैंक से थोड़ा सा बेटर होगा जो अगर आप इधर आना चाहते हैं तो, और अगर आप बैंकिंग सेक्टर का हाल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। एक मिनट में आपको अच्छे से दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख लो IDFC फर्स्ट बैंक का तो गिरावट है ही, लेकिन HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ऐसे ऐसे अच्छे से अच्छे बैंक में देखिए यहाँ आपके सामने जो है गिरावट देखा गया। यहाँ पर देख लीजिए, हाँ ये मानूंगा IDFC बैंक में वोडाफोन आइडिया की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन वोडाफोन आइडिया को भी गवर्नमेंट ने बोला है कि जो आपको पैसे एक हफ्ते में देना था वो आप अब कब देना है, 10 साल के बाद दीजिए, और ऊपर से मैं 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं लूंगा। तो आने वाले दिनों में दोस्तों वोडाफोन आइडिया भी अच्छा प्रॉफिट देगा, लेकिन हाँ उसमें क्या है कि उसमें सबसे पहले तो रिकवरी लेना पड़ेगा, टाइम लगेगा वोडाफोन आइडिया में, उसी तरह इसमें भी टाइम लगेगा। और कोई बात नहीं, अगर आपने खरीदा है तो मैं तो बोलूंगा को होल्ड कीजिए। देखिए सारे बैंकिंग सेक्टर में जो है गिरावट ही गिरावट है, और बैंक निफ्टी में भी अच्छा गिरावट है। तो मैं बोलूंगा दोस्तों आप ऐसे स्टॉक को होल्ड करो, आप अगर खरीदना चाहते हो तो छोटा बहुत क्वांटिटी, जिनके पास 5 लाख 10 लाख रुपया है, 200-400 क्वांटिटी खरीद के छोड़ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के कहीं भी कोने कोने में, जिससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाले दिनों में जब वो प्रॉफिट देगा तो उनको रियलाइज भी होगा कि हाँ कंपनी अच्छा प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रेज कीजिएगा, और मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक्स्ट वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा।